वेलकम बैक माई सेल्फ नदीम परवेज और आप मुझे देख रहे हैं नदीम परवेज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3rd ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? वेयर टू पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसके अंदर टू पेरेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और गैमेट्स का फॉर्मेशन हो और उनका फ्यूजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि ये क्या हो गए, पेरेंट एक अपोजिट सेक्स, टू पेरेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल होता है और एक अनदर फीमेल होता है। अब हम जानते हैं कि जो मेल है, मेल से मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और फीमेल से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। गैमेट ये क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। इसके बाद जो गैमेट्स है, गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जायगोट। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और दैट लीड्स टू फॉर्म जायगोट। एक बात याद रख लेना कि जो गैमेट्स होते हैं ये ऑलवेज किस होते हैं, हैप्लोइड, और जो जायगोट होता है ये कैसा होता है, डिप्लोइड होता है। मेल गैमेट भी क्या होता है, हैप्लोइड होता है और फीमेल गैमेट भी हैप्लोइड होता है, जो जायगोट है ये डिप्लोइड होता है। ये तो बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक अनदर टर्म है विविपेरस। विविपेरस किसे कहते हैं? देखो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या है, गिव बर्थ टू यंग वन। जो ह्यूमंस होते हैं ये किस यंग वन को क्या, डायरेक्टली बर्थ देते हैं। एक अनदर टर्म है ओविपेरस। ओविपेरस के अंदर क्या होता है कि ये पहले एग ले करते हैं और फिर यंग वन को बर्थ देते हैं। अब देखो ओविपेरस और विविपेरस के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो ओविपेरस के अंदर क्या होता है, ये पहले तो एग ले करते हैं और फिर यंग वन को बर्थ देते हैं, और विविपेरस के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। अब देखो जो ओविपेरस है, ओविपेरस के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, लेकिन विविपेरस के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी होता है। मैं चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी इवेंट इंक्लूड होती है। सबसे पहला आ जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट। गैमेट्स के बनने को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब मेल पेरेंट से मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा जिसे हम ओवम कहते हैं। अब देखो जो गैमेटोजेनेसिस है ये फर्दर टू टाइप का होता है। अब देखो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओवम के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्पर्म का क्या होगा, ट्रांसफर होगा कहां पर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। अब देखो हम जानते हैं कि जो स्पर्म होता है ये कैसा होता है,
मोटाइल होता है, मोटाइल होता है और ये मूवमेंट शो करता है, और जबकि ओवम कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये मूवमेंट शो नहीं करता है। अब देखो इसके बाद जब गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा तो नेक्स्ट थर्ड वन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट लीड्स टू फॉर्म जायगोट। क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लांटेशन। अब देखो जो जायगोट है, जायगोट के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, और ये कंटिन्यूअसली होता है, ठीक है ना, क्या होता है कंटिन्यूअसली होता है, ये एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस सेल स्टेज बनाता है। उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, द अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग मैमेलियन एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसका क्या होता है, अटैचमेंट होता है कहां पर, टू द यूट्रस ऑफ इट्स पेरेंट, जो पेरेंट है उसकी यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के इनर जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम उसके अंदर क्या होता है, इसका अटैचमेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, गेस्टेशन, जब एम्ब्रियो का, डेवलपिंग एम्ब्रियो का अटैचमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड द पीरियड इन विच एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस, जिसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ह्यूमन के अंदर, इन फीमेल जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का ये गेस्टेशन पीरियड होता है। जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, मतलब जो बेबी होता है वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है। उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी।